इस दुनिया में भाई आजकल इंसान जो है ना गलती मानने को तैयार नहीं है अपने। सो गाइस, मैंने इसकी जो टेस्टिंग जो है मैंने करी है अभी, और मैंने इसकी वॉइस सुनी है, इसकी जो वॉइस क्वालिटी आ रही है ना भाई, वो बिल्कुल जेन्युइन वॉइस क्वालिटी आ रही है। और मतलब मुझे जो लग रहा है ना, इसमें अलग से माइक लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, हालांकि हेलमेट वाले में शायद लगानी पड़ेगी, माइक मैंने भी ले लिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर ऐसे ही लगाएं, ऐसे यूज़ करें ना बिना माइक के, तो भी काफ़ी अच्छी जेन्युइन इसकी क्वालिटी है। ठीक है भाई, मेरी स्कूटी में थोड़ी सी बस ये दिक्कत है अभी फ़िलहाल कि इसमें जो है किक मारनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो किक वगैरह भी जो है मारते रहना चाहिए स्कूटी में, क्योंकि इससे किक जो है ना ख़राब नहीं होती। ठीक है भाई, चलो तो अपन चलते हैं। थोड़ी सी इसमें जो नॉइज़ वगैरह आ रही है ना, हालांकि कम ही नॉइज़ आ रही है, लेकिन जो इसमें नॉइज़ आ रही है वो इसको तो भाई साहब मैं कैप कट में इम्प्रूव कर ही दूंगा। सीस में मैंने पता क्यों मोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो दिखाई दे रहा था, सूरज चौंध पड़ रही थी एक तरह से मतलब। तो भाई ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि अगर तुम किसी इंसान के लिए अपना कलेजा भी निकाल के रख दोगे ना, ठीक है, कलेजा तुमने निकाल के रख दिया, लेकिन अगर तुमसे कोई एक गलती हो जाए कलेजा निकालने के बाद, ठीक है, यानी कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ठीक है मैंने जो थोड़ा बहुत भी किया, उसके बाद अगर तुमसे कोई एक व्यक्ति किसी मतलब एक गई गलती हो जाती है ना, तो भाई साहब क्या बोलते हैं, अरे नारियल खाना था यार, 10 रुपये खुले पड़े हैं क्या, देखता हूँ भाई, 10 वाला दियो एक, खुले पैसे हैं क्या, देखूँ जा रहा यार भाई, नारियल बहुत पसंद है यार मुझे, जहाँ भी मिल जाता है ना मैं खा ही लेता हूँ। चलो ये देखो गाय का बछड़ा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, तो तुमसे अगर एक गलती हो जाए ना, तो भाई वो इंसान जो है तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है, हालांकि हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग ना ऐसे हैं आजकल की दुनिया में। खैर मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझसे नाराज़ हो गया, अगर मैंने किसी इंसान को दिल से दोस्त मान लिया अपना, तो फिर मुझसे तो भाई उससे दुश्मनी होती नहीं या फिर नफरत होती नहीं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोई ज़्यादा ही मतलब मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र कर रहा है, मेरे खिलाफ़ राजनीति कर रहा है, बात अलग है। ठीक है, अरे छोटी मोटी गलती यार मैं दोस्तों की माफ़ कर देता हूँ, मैं जानता हूँ इंसान ही यार, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। ठीक है भाई, इस दुनिया में भाई आजकल इंसान जो है ना गलती मानने को तैयार नहीं है अपने। अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास आया, चाहे भाई के रूप में है, चाहे दोस्त के रूप में है, मित्र के रूप में है, अगर वो इंसान अपनी गलती मान रहा है ना, तो मेरे भाई ऐसे इंसान को छोड़ो ना मत कभी, ऐसे इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में साथ रखना, क्योंकि ऐसा इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो भाई अभी जो मैं मंडावली के क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये तो खैर अब मंडावली पूरा ख़त्म ही हो गया यहाँ तो, ठीक है, ये विनोद नगर का क्षेत्र आ गया है, इधर का एरिया थोड़ा अच्छा है, पर मंडावली का एरिया तो भाई साहब इतना बुरा है ना, तो मैं क्या ही उठता जो है गड्ढे से आते हैं ना बस, गड्ढे से आते मेरे को ऐसा लगता है कहीं कैमरा निकल के गिर ना जाए, हालांकि शायद ना ही गिरे, यहाँ भी फल वगैरह सब मिल जाते हैं भाई। सही बताऊँ आजकल हमें जो है ना 100 रुपये किलो के सेब जो महंगे लगते हैं, हालांकि ठीक है भाई जो गरीब लोग उनको लगते ही महंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी महंगे लगते हैं लोग। ये चीज़ आने वाले टाइम में ना ऐसा समय आएगा ये सब चीज़ें ना मिलेंगे भी नहीं, आज जो तुम्हें केले जो वगैरह मिल जाते हैं ना, ये नारियल तुम्हें 10 रुपये का इतना सारा मिल गया, आने वाले टाइम में अगर हमारी जो व्यवस्था है वो अमेरिका ऐसी हो गई ना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की व्यवस्था बहुत बुरी है, कुछ व्यवस्था अमेरिका की बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें अमेरिका की, लेकिन कुछ चीज़ें अमेरिका की अच्छी नहीं है, जो फूड वगैरह है वो उसमें सिस्टम उसका जो है अच्छा नहीं है। केले वगैरह भाई साहब यहाँ दर्जनों के हिसाब से आराम से केले मिल जाते हैं, वहाँ पर क्या हर चीज़ का कैपिटलाइजेशन है, तो वहाँ पर भाई साहब 2-2 केले मिलते हैं, 2-2 पन्नी पैक होकर 2-2 केले मिलते हैं मोलों के अंदर वो भी। अरे मेरे भाई फ़ोन किसका आ गया, हेलो, हाँ कहाँ है, मेरा घूमना, चलिए 1 घंटे बाद आता हूँ, है